नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय तमाम तरह की चर्चा आम है, पर इन चर्चाओं के बीच में कुछ बदलाव की उम्मीद भी नज़र आती है। कुछ बदलाव के प्रस्ताव भी यहाँ पर सामने आते हैं और प्रस्तावों पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। मैं बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों का एक उद्देश्य है, उनमें बहुत बड़ी बड़ी सीख दी गई है। और ये भी कहा जाता है अगर वहाँ से आप कुछ समझेंगे तो निश्चित रूप से आप एक आदर्श जीवन जी पाएंगे। किसी भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, उसने हमेशा यहाँ पर बेहतर की सीख दी है और थोड़ी सी चीज़ें और बेहतर करने का प्रयास भी उन्होंने बताया गया, किस तरह आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर धार्मिक ग्रंथ की स्थिति यहाँ पर फिरा ली, सबकी उद्देश्य एक ही है, मानव कल्याण, मानव जीवन को बेहतर बनाना और एक आदर्शपूर्ण जीवन जीने की एक नीति। और इसमें कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, सबका उद्देश्य यहाँ पर एक ही है। पर जब एक दो ग्रंथों को लेकर आगे बढ़ाने और अन्य ग्रंथों को ना देखने के लिए अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ चर्चाएं भी हो जाने शुरू हो जाती हैं। जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी के आने वाले पाठ्यक्रम में एक उच्च स्तरीय कमेटी है, समिति बनी थी, उसने एक सिफारिश की, प्रस्ताव कहा है और प्रस्ताव के तहत यहाँ पर रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया है, ये प्रस्ताव डाला गया है। और जब प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया, प्रस्ताव देने के बाद यहाँ पर बेहतर की तरफ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रस्ताव देने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, यहाँ प्रस्ताव देने के बाद चर्चाएं भी आम हो गई हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर रामायण महाभारत को आप एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं तो करिए, कोई बुराई नहीं है, तो बाइबल और कुरान को भी शामिल कर सकते हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए। जब एक धर्म की पाठ्य पुस्तकों को आप शामिल कर रहे हैं तो दूसरे धर्म को भी आपको शामिल करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शामिल कर रहे हैं तो वहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए कि विद्यार्थी के लिए वैकल्पिक होना चाहिए, वो चाहे तो पढ़ सकता है, वो चाहे तो ना पढ़े, कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर भी उन्होंने ये बात कही है। तो वहीं लगातार हिंदू धर्म को लेकर तमाम बातों लेकर अपनी अपनी राय रखने वाले और इस समय चर्चा बने रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुखर हो चुके हैं। उन्होंने जब इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ को ना रखते हुए यहाँ पर शहीदों की जीवनी को रखा जाए तो निश्चित रूप से एक बेहतर संदेश समाज को जाएगा। जरूरत धार्मिक ग्रंथों की नहीं बल्कि शहीदों की जीवनियों की है कि शहीदों की जीवनियाँ उस पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। खैर, अगर पाठ्यक्रम की शहीदों की जीवनियों की बात करें तो तमाम तरह के शहीदों की जीवनियों को हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा भी है एनसीईआरटी में, जिसमें वीर अब्दुल हमीद का भी नाम आपको पता होगा कि जब छोटे में आपने किताब पढ़ी होगी जिसमें उनका बया जीवनी थी। और तमाम ऐसे महापुरुषों की, चाहे वो प्रेमचंद रहे हों, चाहे तमाम तरह के शहीद रहे हों, उनकी यहाँ पर जीवनी हमने पढ़ी है पाठ्य पुस्तकों में। पर यहाँ पर शहीदों की बात नहीं बल्कि यहाँ पर बात हो रही है धार्मिक ग्रंथों की, कि महाभारत रामायण को भी यहाँ पर पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और जब चर्चा होती है तो बयान भी आते हैं और सियासत गर्म हो जाती है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, इस महत्वपूर्ण मसले पर एक बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मजहब इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हमें तमाम रिलीजन को, तमाम रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को, तमाम रिलीजियस बुक्स को रिस्पेक्ट कर देनी है, उसका एहतराम करना है। लिहाजा इस नुक्ते नज़र से जो कुछ भी एनसीईआरटी में सिलेबस में रामायण और महाभारत को इंक्लूड करने की बात कही गई है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे मजाहिब की जो मजहबी किताबें हैं, कुरान है, बाइबल है, या और जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये ऑप्शन होना चाहिए कि बच्चे किस किताब को या तमाम किताबों को पढ़ना चाहें या उनके अपने चॉइस पर छोड़ना चाहिए। और उसी, क्योंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी को, तमाम को बराबर से तमाम मजहबी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। एनसीईआरटी के प्रस्ताव पर बिखराव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रसाद मौर्य भी बयान दे चुके हैं और यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महले ने अपनी राय दी है कि यहाँ पर अगर
उन दो किताबों को शामिल कर रहे, धार्मिक ग्रंथों को शामिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाइबल और कुरान को भी आपको शामिल करना चाहिए। एक धर्म को प्रमोट करने की इजाजत भारतीय संविधान नहीं देता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी से दिक्कतें नहीं है, पर दूसरी मजहबी किताबें भी यहाँ पढ़ाई जाए और बच्चों को यहाँ चॉइस भी मिले कि उसको किसका धर्मग्रंथ पढ़ना है, किसकी धर्मग्रंथ की बातें पढ़नी है, किसके उद्देश्य पढ़ने हैं और किसकी नीति पढ़नी है। इसका विकल्प भी छात्र छात्राओं के पास, विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। पर चूंकि यहाँ पर जब बात रामायण और महाभारत की आ जाती है तो लोग मुखर होना बोलना भी शुरू कर देते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है कि ये अमूनन नई बात नहीं है, बल्कि हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर, धार्मिक ग्रंथों को लेकर लगातार समय समय पर तमाम तरह के बयान आते रहते हैं और लोग उस पर अपनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, पर ये बयान और ये कटाक्ष शायद ही हमने अन्य ग्रंथों पर दिए हो या सुने हों। और जब कोई कटाक्ष कर देता है तो फिर नुपुर शर्मा जैसी स्थिति भी सामने आ जाती है, हमने देखा है। और यहाँ पर केवल बात हम किताबों की नहीं कर रहे हैं, हमने अपने फिल्म लाइन से देखा है, फिल्म इंडस्ट्री से देखा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, कि तमाम तरह की फिल्में भी आती रहती हैं जिसमें हम देखते हैं लगातार हिंदू धर्म के देवी देवताओं को खुलकर मखौल बनाया जाता है। और अभी हाल में आई फिल्म काली, उसके पहले तमाम फिल्में आई, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उससे पहले भी यहाँ पर अभी हाल में आदि पुरुष भी आई थी, और आदि पुरुष भी यहाँ पर हमने देखा था, उस पर भी चर्चा हो गई थी, लगातार कटाक्ष हो रहे थे। और उसके जो जिसने डायलॉग लिखे थे मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन पर भी खासी वहाँ पर ट्रोलिंग हुई थी, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि जो शब्दावली उन्होंने या धार्मिक ग्रंथ के किरदारों को लेकर कही थी वो हमने अपने धार्मिक ग्रंथ में ना पढ़ी थी और ना ही धार्मिक ग्रंथ पर बनाए ही पुराने धारावाहिक रामायण जैसे, जिसको जो आज अमर हैं और जो कोरोना काल में भी आए थे, वहां पर भी उन्होंने टीआरपी का रिकॉर्ड बना डाला था। और कहा जाता था कि ऐसे लोग ऐसे धारावाहिक बनाते हैं जो संजीदा होते हैं और उनमें चरित्र दिखता ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि चरित्र सामने ही आ गया है। ऐसे भी हमारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास लिख दिए हैं। पर चूंकि यहाँ पर बात एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की हो रही है और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की चर्चा होती है तो यहाँ पर चीजें समझ में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से यहाँ पर एक धर्म को प्रमोट करने की बात मुस्लिम धर्मगुरु ने की है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की किताबों में आप पढ़ने की यहाँ शुरुआत करते हैं, पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम है, और यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ को अगर यहाँ पर ना देखते हुए केवल एक अलग व्यवस्था के तहत जो चरित्र हैं, महत्वपूर्ण चरित्र हैं, उनको अगर आप व्याख्यित करेंगे तो मेरे ख्याल से किसी धर्म को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना किसी मुस्लिम धर्म को, ना किसी मुस्लिम धर्मगुरु को, ना किसी अन्य को, क्योंकि वहाँ पर चरित्र व्याख्या कर रहे हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों के चरित्र इतने महत्वपूर्ण, इतने मर्यादापूर्ण और इतने शालीन हैं, इतने नीतिगत हैं कि अगर मानव जीवन उनको अनुसरण कर ले, उनके आदर्शों पर चल ले, तो बेहतर समाज की नींव डालने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर बिखरा हो रहा है और यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि केवल एक धर्म ही क्यों। चर्चा विषय महत्वपूर्ण, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे, विशाल कुमार यादव प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में अपनी राय देंगे, प्रवक्ता हमारी पार्टी से उनके फायरमैन प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे भाई आमिर साबरी अपनी राय देंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ भाई सुनील त्रिपाठी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। वे भाई, क्या पाठ्यक्रम को प्रस्ताव लाया गया है और प्रस्ताव की बात हुई है और यहाँ पर बयान आने शुरू हो गए, आपने मुस्लिम धर्मगुरु का बयान भी सुना और सोएब अख्तर मौर्या का आपने ट्वीट ही पढ़ा है, तो यहाँ पर अगर दो
धार्मिक ग्रंथ जो हिंदू धर्म से आते हैं उनको शामिल करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर बाइबल और कुरान को शामिल करने में क्या दिक्कत है? मुस्लिम धर्म गुरु बोले हैं और इसको इसको सबको शामिल करिए और चॉइस रख दीजिए, जिसको पढ़ना पड़े पढ़ सकता है, बड़ा ही क्या है? देखिए प्रस्ताव आया है। हाँ गौरव जी, जी जो ये प्रस्ताव दिया गया जी करिकुलर एरिया ग्रुप के द्वारा जी 7 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों में रामायण और श्रीमद् भागवत जी पढ़ाने की बात कही जी। आज जो देश की स्थिति है, हर अपराध के लिए देश में बड़े से कड़े कानून हैं, फिर भी हमारे समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा यह है कि 14 साल से लेकर के 4 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये उद्देश्य है जहाँ पे हम साल में 2 बार कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि के कार्य, और फिर भी महिलाओं के प्रति अपराध, बालिकाओं के प्रति अपराध, भाई भाई में विवाद, और तो और जिस तरह से बुजुर्ग का जो आश्रय स्थल है उसकी संख्या बढ़ती जा रही, उसमें बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये वो संतान है जिनको उनके माँ बाप ने महंगी फीसें दे करके महंगे कॉलेजों में पढ़ाया है जी, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर कॉलेज इंग्लिश मीडियम ही रहते हैं, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी द्वारा ही चलाए गए कॉलेजों की स्थिति है जी। और स्थिति है कि वो दूर सुदूर विदेशों में काम कर रहे हैं, उनके माँ बाप यहाँ अकेले जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, आगे बदतर स्थिति होती कि उन्हें वृद्धाश्रम में पनाह लेनी पड़ती है। ठीक, हमारा समाज इन स्थितियों को बहुत नकारात्मक तरीके से देखता है। अच्छा, हमारा समाज वो समाज है जिसने श्रवण कुमार की मातृपित भक्ति देखी है, भगवान परशुराम की पित्त भक्ति देखी है जी, भगवान राम की पित्त भक्ति देखी है जी, राम और भरत का भाई भाई का प्रेम देखा है। अच्छा, लक्ष्मण का राम के पुत्र प्रेम देखा है। अच्छा, जिन आदर्शों से हम समाज को एक शिक्षा दे सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं, अच्छा, जिससे उसका नैतिक मानदंड ऊंचा कर सकते हैं, अच्छा, वो पढ़ाने की बात हो रही है। अच्छा, जिससे उसको ये पता चले कि हम किन महान पूर्वजों की संतानें हैं। अच्छा, हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जी, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। कुल मिला के आप यहाँ पर नीति की बात कर रहे हैं, अच्छे आदर्शों की बात, उसका नैतिक उत्थान होना चाहिए। तो ये बात जो लोग ये कह रहे हैं प्रमोट करने की बात, उन्हें अपने शब्दों में विचार करना चाहिए। अच्छा अच्छा, आज ना तो इन ग्रंथों को ना बहुसंख्यक समाज या सनातन संस्कृति को किसी के प्रमोशन की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, नैतिक मानदंडों के लिए आप सनातन संस्कृत की तरफ आते हैं। अच्छा अच्छा, उनके सनातन संस्कृत के छत्र छाया में आपको आपके नैतिक मानदंडों की चाहत ले आती है। अरे जो मना थोड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कर लीजिए विषय मना। हाँ, आज जो 2 बार 3 बार आपने भी प्रमोट शब्द का प्रयोग किया, मुझे आपके भी शब्दों पर आपत्ति है। अच्छा अच्छा, प्रमोशन की बात नहीं है। अच्छा, गौरव जी। अच्छा, आप अपनी गरज से वहां आ रहे हैं। अच्छा, आपको ये नैतिक मानदंड किसी और धर्म की किताब में मिलते हैं क्या? अच्छा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। अच्छा, अगर मिलते होते तो आपने तो पढ़ाया अभी तक हमको जितना जो कुछ पढ़ा सकते थे। अच्छा, 75 सालों में समाज के पतन की पराकाष्ठा कहाँ आ गई आप देख लीजिए। अच्छा, भाई भाई की गर्दन काट रहा है, माता पिता वृद्धा आश्रम में समय काट रहे हैं। तो किसकी देन दे रहा है आपको, किसने पढ़ाया ये आपको? ये जो हमारी जो एनसीआरटी किसने पढ़ाई भाई? आप भी तो पढ़े, मैं भी पढ़ा। ये जो लाल भाई काले की शिक्षा पद्धति है। हाँ, जो हम जो जिसने हमारी अरे अरे, अरे 10 साल से आप मौजूद है, हटा दीजिए ना, पहले क्यों हटा पाए? गौरव जी, एक दिन में नहीं बदलती। अच्छा, ये सब बार बार जो सारे चुनाव के समय क्यों आते हैं भैया? 10 साल 9 साल 1 साल चुनाव के समय ये सब चले, ठीक है, बातें चले। अच्छा, जो हो रहा है चले, शुभ के लिए हो रहा है और उसे होने। अच्छा भाई, मेरे एक सवाल जवाब का स्वागत करिए, मैं जवाब दीजिए जी, फिर मैं और मेहमानों को लेता हूँ। ये बताइए, आपने यहाँ पर कहा कि नीति और ग्रंथों में नहीं है, सब आदर्श सब जगह बताया गया, ये आदर्श अच्छाई सब जगह बताई गई है। अपने धर्मावलंबियों को, जो हमारे धर्म को फॉलो करते हैं, जो हम उनके हमारे धर्म से, सुन लीजिए मेरे आपको,
जो हमारे धर्म को मानते हैं उस धर्म के हिसाब से अच्छी चीजें बताई गई हैं। कोई भी धर्म अपने लोगों को मानने वाले लोगों को खराब राय नहीं देता। तो जब खराब राय नहीं देता है तो यहाँ पर धर्मगुरु कहना ये तो है कि उनको भी रख लीजिए और चॉइस दे लीजिए, इसको भी पढ़ना पड़ लेगा अपना, तो इसमें दिक्कत में समस्या क्या है? मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, और फिर आप बोल रहे हैं कि प्रमोट शब्द से आपको आपत्ति है? बिल्कुल, प्रमोट शब्द से आप, हम प्रमोशन के लिए नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, हमारी जो आवश्यकता है जी वो सनातन संस्कृत की इन पुस्तकों के अलावा, हो सकता है प्रमोट शब्द यहाँ पर स्तर बढ़ाने को लेकर कहा गया हो। जो लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भाई आप ही ने कहा कि स्तर बढ़ाना चाहिए, तो स्तर बढ़ने को प्रमोशन बोलते हैं? गलत तो नहीं बोला मैंने? प्रमोट शब्द उन्होंने जिसके अच्छा, लिए प्रयोग किया है। अच्छा, जिसके लिए प्रयोग किया धर्म को प्रमोट करने पे उन्हें आपत्ति, मैं उस पर कह रहा हूँ। अच्छा, ना तो सनातन संस्कृत को किसी के प्रमोशन की आवश्यकता है। जवाब दे, सनातन संस्कृत ने सैकड़ों सालों तक दूसरी संस्कृतियों के कुठाराघात झेले हैं। अच्छा, उसके बाद भी सनातन संस्कृत की ध्वजा फहरा रही है। अच्छा, तो प्रमोशन की तो हम आपसे अपेक्षा नहीं करते। अच्छा ठीक, एक चीज ठीक है। दूसरी चीज, आप वहां पर आ रहे हैं सनातन संस्कृत के ध्वज तले, क्योंकि ये नैतिक आदर्शों की जो खुराक वहां से मिल सकती है वो आपको कहीं और से पूरी होती नहीं दिखती। भगवान राम और भगवान भरत का जो प्रेम है भाई के भाई का, ऐसे उच्च संस्कार आपको किस चरित्र में देखने को मिलते हैं? राम और लक्ष्मण का जो संबंध है वो आपको किस चरित्र में देखने को मिलते हैं? इसी तरीके से पिता से पुत्र के संबंध भगवान राम और दशरथ जी का, वो आपको कहाँ देखने को मिलता धरती पे? इसके अलावा भगवान श्रवण की जो मातृ पितृ भक्ति है, ऐसा उदाहरण कहीं और दूसरा है क्या दुनिया में? अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे ऐसे आदर्श हैं जिन आदर्शों की आप कहीं दूसरा आदर्श आप ढूंढे नहीं पाएंगे। इनकी आपको आपकी जरूरत वहां ले जा रही है। अच्छा अच्छा, उन्हें ना प्रमोशन की जरूरत है ना आपके आने की उनकी कामना है। ठीक है ठीक, अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अब मैं प्रवक्ता सपा की बात लेता हूँ। रमन भाई, आपने बेबे भाई को पूरा सुना और जवाब आपको देना है। बिल्कुल जी जी, जो डिबेट का विषय है ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है। अच्छा, चुनावी स्टंट है। वो जानकारी उन्होंने दी जी जिससे उन्माद फैले, लेकिन वह जानकारी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं जो उस झूठ पे पर्दा डाल सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ जी, एनसीईआरटी में एक उच्च स्तरीय पैनल जी, जिसके अध्यक्ष हैं इतिहासकार सीआई आईजैक, उन्होंने कहा था कि शिक्षा में श्री रामायण जी को श्री गीता जी को शामिल किया जाना चाहिए। इसका प्रचार तो करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने सारे चैनलों पे, अखबारों अखबार में, लेकिन उसका प्रचार नहीं करवाया कि एनसीईआरटी ने इस रिकमेंडेशन को मना कर दिया। खत्म हो गई बात ही। ये तो इस रिकमेंडेशन को एनसीईआरटी ने खारिज कर दिया जी। अब उसके पीछे कारण भी है कि एनसीईआरटी से संबंधित सेंट्रल स्कूल जो होते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, वो नेपाल में भी चलता है, रूस में भी चलता है, ईरान में भी चलता है जी। अगर इस प्रकार के बदलाव करेंगे तो समस्या आ सकती है इन देशों में जी। तो इसके परिदृश्य में यह रिकमेंडेशन ही खारिज कर दी गई, लेकिन शैतानियत देखिए, उस रिकमेंडेशन का प्रचार कर दिया गया जिसको जो खारिज हो गया है, लेकिन जो खारिज हो गया है उसका प्रचार नहीं किया जा रहा। अब आते हैं नैतिक पतन की बात। नैतिक पतन को हम, मैं केवल ब्लू फिल्म से जोड़ता हूं जी। ब्लू फिल्म देखने वालों की सर्वाधिक संख्या भारत में है जी, हिंदू बाहुल्य देश है, लगभग सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल है। बौद्ध धर्म में केवल जापान को छोड़ के लगभग बौद्ध धर्म के देशों में ब्लू फिल्म देखने वालों की संख्या बहुत कम है। इस्लाम देशों के समूह में लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि वहां पर पाबंदियां हैं ऐसी साइटों पे। इस नैतिक पतन का कारण कौन होगा? और फिर 10 साल से हैं तो इन्होंने नैतिक स्तर को उठाया क्यों नहीं? ब्लू फिल्म जैसी चीजों को बंद क्यों नहीं कर दिया? बिल्कुल, नेटफ्लिक्स तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। मैं इस मुद्दे को डिबेट में उठा चुका हूं रविंद्र भाई, और कई बार मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि ओटीटी और फेसबुक पर तमाम जगह जो मानव रिश्ते उनको शर्मसार करने वाले जो है वो वीडियो पड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम और तमाम जो है साइटों पर खुलकर नग्नता परोसी जा रही है।
किसने रोका है भाई? बिल्कुल सूचना प्रसारण मंत्रालय जिम्मेदार है, क्यों रोक नहीं रोक रहा भाई इसको? सत्य कहा आपने जी। तो अगर सेंट्रल एशिया के देश जो मुस्लिम देश हैं इसको रोक सकते हैं जी, तो भारत क्यों नहीं रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है। अब बात ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है। ठीक है, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, वैदिक धर्म है जी, उसकी अपनी उच्चता है जी, लेकिन अन्य धर्मों को इसकी आड़ में बुराई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर आप देख लीजिए अपराध जी, तो सबसे कम सऊदी अरब में है जी, पूरे अपराध सारे प्रकार के जो अपराध होते हैं सऊदी अरब में कम है जी। क्या कारण हो सकता है? क्या इस्लाम कारण है उसके पीछे जी? तो जो इस प्रकार का वक्तव्य दे जी कि हम हमारे हमारे हमें धार्मिक शिक्षा से दूर कर दिया गया जी, तो इस कारण से अपराध हो रहे हैं, तो उसको उसको मुझे लगता है कि मूर्खता श्रेणी माना जाएगा और एक उन्माद माना जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है रविंद्र भाई, अंतिम एक बात कह दें। बोल लीजिए। विवेक भाई ने कहा है कि एनसीईआरटी ने कहा है कि संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाएं जी, ये 14 दिसंबर 2022 को। ये बात उन्होंने नहीं कही, विवेक श्रीवास्तव ने ये बात नहीं कही है कि संस्कृत श्लोक पढ़ाए होंगे कहीं पे। कही है, कही है, कही है। अच्छा, तो यह 14 दिसंबर 2022 को लोकसभा में उप शिक्षा मंत्री जी केवल संस्कृत के पाठ्यक्रमों में जी गीता जी और श्री वेद के श्लोक डाले जाए जी। तो अगर सूचना देनी है तो सही देना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से किसी धर्म की बुराई करना उचित नहीं है जी, और जो सही खबर है उसको जनता तक परोसनी चाहिए। ठीक ठीक है, ठीक है रविंद्र भाई, हमारे साथ सही मोहम्मद तक हमारी पार्टी से है। तकी भाई, बी भाई ने कहा कि यहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथों में वो आदर्श हैं, वो व्यवस्थाएं हैं, वो चरित्र हैं जिनके वर्णन से नैतिक उत्थान हो सकता है, स्तर बढ़ सकता है, और जो नैतिक पतन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। देखिए, उन धर्मों में ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात मैं गौरव भाई कहना चाहता हूँ जी कि मजहबी बहस मैंने कभी की ही नहीं जी, फालतू अक्ल मुझमें थी ही नहीं। अच्छा, मजहब की बहस जो है वो एक बहुत लंबी बहस है, और हर आदमी अपने मजहब में अच्छाइयाँ देखता है, अपने मजहब को बहुत अच्छे से पेश करता है। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन हर मजहब ने कहीं ना कहीं सिखाया भी है जी। जैसे कि हमारे जो वेद श्रीवास्तव भाई हैं, वाराणी भाई हैं, उन्होंने कहा कि रामायण में चरित्र के बारे में बात करी है, रामायण बहुत अच्छे चरित्र हैं, रामायण में एक चरित्र कैकेयी का भी है जी, जिसने जलन के ईर्ष्या के कारण जी अपने पुत्र को राजा बनाने की कोशिश की, भगवान राम को एक्सेप्ट नहीं किया जी। महाभारत में जुए का भी जिक्र है, जहाँ नैतिक पतन लगातार हुआ है, एक महिला के तन से कपड़े बीच सभा में खींचे गए हैं, उसको जुए में हारा गया है, उसमें तो नैतिक पतन की कहानियां हैं। महाभारत में भी, रामायण में भी, अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी, और हर धर्म में है। अगर आप सब धर्मों को पढ़िएगा तो सब धर्मों में आपको इस तरह की कहानियां बनेंगी। ईसा मसीह के बारे में पढ़िएगा, उनको पता लगा कि ईसा मसीह हमेशा गरीबों का के लिए काम करते थे जी। राजा ने उनको जन प्रजा के बीच में बुलाया, अपने लोगों को बैठा दिया, और एक जो डाकू था उसको बचा लिया, और ईसा मसीह को फांसी चढ़ा दिया। ये वहां कहानी है जी। आपको इस्लाम में कहानियां बनेंगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला में क्या हुआ, करबला में उनके भाइयों ने उनके लिए शहादत दी, उनके भतीजों ने, भाइयों ने शहादत दी, वो आगे बढ़ के आए, बस जाने नहीं दी अपनी, और इस्लाम को बचाने के लिए काम किया। इस्लाम में भी है, करबला के बारे में जिक्र होता है जी। ऐसा गौतम बुद्ध में भी है, गौतम बुद्ध जो है वो जब ज्ञान देने के, शिक्षा देने गए, तो लोगों ने उनके पैरों के नीचे शीशे डाले, कांच डाला, कांटे फेंके, उनका उस पर गर्म पानी और कूड़ा कचरा फेंका, उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे और अपना ज्ञान देते रहे, उस कांटों पे, उस शीशों पे चलते रहे। मोहम्मद साहब के बारे में भी आप कहानी सुनी होगी। तो इस तरह के चरित्र जो हैं हर धर्म के अंदर हैं। क्या बात है, जरूरत है इंसान अपने चश्मे से बाहर निकले और सबको उसी नजर, उसी निगाह से देखे। क्या बात, और किसी धर्म में धर्म जो है खुशबू की तरह है, अगर उसमें अच्छाई है तो महकेगी, सब तरफ फैलेगी, किसी के बस में नहीं उसको रोक पाना। क्या बात, इस्लाम अरब में हुआ, आज हिंदुस्तान में, दुनिया भर में फैला हुआ, कोई रोक पाया जी? गौतम बुद्ध जो है भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन बुद्धिस्ट को मानने वाले जापान में, चाइना में, किसी हिम्मत थी कि रोक पाया जी? भगवान राम यहाँ अयोध्या में पैदा हुए, उनका आज वर्णन जो है वो US वगैरह में सब जगह हो रहा है, भगवान कृष्ण के वहाँ मंडली बनी हुई है, लोग वहाँ
भगवान कृष्ण का गीत गाते हैं, कोई रोक पा रहा क्या उनको? अच्छाई को कोई रोक नहीं पाता, क्या बात। और अच्छाई पे किसी का बस नहीं, और अच्छाई हमेशा फैलेगी, अच्छाई कहीं से भी आए, अगर वो मानवता को उद्धार कर रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए। क्या कहना है इस पर, सबको शामिल करना चाहिए? मेरे ख्याल सबके बारे में, देखिए आप शामिल ना भी करें, आज की डेट में जो एजुकेशन है वो किसी की बपौती नहीं रह गई, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह गई। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हर आदमी का मोबाइल फोन है, अगर आदमी जानना चाहे तो सब कुछ जान सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, इलन मस्क है जो टेस्ला कंपनी का ओनर है और जिसने स्पेसएक्स कंपनी बनाई थी, इलन मस्क को जो है रॉकेट बनाने का ज्ञान नहीं था, वो बहुत एजुकेटेड आदमी नहीं था, लेकिन उसने ऑनलाइन ज्ञान को इकट्ठा किया और दुनिया की सबसे अच्छी स्पेसएक्स कंपनी बना दी और बना रहा है। अब हम दूसरे जमाने में आ गए, अब भाजपा के लोग पाषाण युग में रह रहे हैं, पुराने जमाने में रहे हैं, उनकी पुरानी सोच है, ठीक है, उनका अपना बात करने का तरीका है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो है जो खुशबू है गौरव भाई जी, उसको रोकना किसी की बस की बात नहीं, ठीक, वो फैलनी फैलनी है, चाहे भगवान राम की खुशबू हो, चाहे भगवान कृष्ण की खुशबू हो, चाहे गौतम बुद्ध की खुशबू हो, ईसा मसीह की। सुक्रेटिस के बारे में लोगों को बताया गया, आज बल्ब इन्वेंट किया गया है, कहाँ बल्ब इन्वेंट किया गया था, आज हर घर उजाला हो रहा है, इंसुलिन कहाँ बनाई गई थी, आज डायबिटीज के पेशेंट इंसुलिन पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक कहाँ बनी थी, आज सब एंटीबायोटिक सर्जरी एनेस्थीसिया कहाँ जादू हुआ था, आज सबको दिया जा रहा है, गाड़ी कार कहाँ, फोर्ड ने कार पहले बनाई थी, आज दुनिया में तमाम लोगों में कार चलाई जा रही है। अच्छा ही एजुकेशन, इसको कोई रोक नहीं सकता। युवा कांग्रेस विशाल कुमार यादव, विशाल क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? जी देखिए गौरव जी, बीच में हमारी कनेक्टिविटी टूट गई थी, मैंने आपके सवाल को सुनाने का, कृपया अपने सवाल को आप फिर से बोल दीजिए तो हमें। मेरा कहना है जो एनसीईआरटी में प्रस्ताव लाया गया है कि उसमें रामायण महाभारत भागवत जैसे तमाम जो हिंदू बड़े ग्रंथ हैं उनको शामिल किया जाए, और विरोध ये हो रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कि अगर शामिल कर रहे हैं तो सारी पाठ्य पुस्तकें जो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ अन्य धर्म के हैं, बाइबल कुरान को भी शामिल किया जाए और विकल्प दिया जाए जिसको जो पढ़ना हो पढ़ सकता है। जी गौरव जी धन्यवाद जी। तो फिर बाधा कहाँ आ रही है? कांग्रेस पार्टी भी और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो भी धार्मिक किताब ग्रंथ उनको शामिल कीजिए, और आपने बोला कि विरोध विरोध जो मुस्लिम धर्म गुरु है उन्होंने भी विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ाइएगा तो सभी लोगों के बारे में पढ़ाई, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा की दोहरी राजनीति है, भाजपा करनी चाहती तो 9 साल से केंद्र में सरकार है, 10 साल और 7 साल से 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो भाजपा करनी चाहती तो कर दे, कोई दो मत की बात नहीं, अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही महाभारत और रामायण पढ़ाइएगा तो बाइबिल और कुरान भी पढ़ाइए, हर धर्मों के लोगों को, हर धर्मावलंबी मान्यता वाले लोगों को उनके धर्म के बारे में जानने और पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने रखा कि इसको अपने मनानुसार, यानी अगर आपको मन है तो पढ़े, नहीं मन है तो नहीं पढ़े, ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करनी होगी, स्वागत करनी होगी उन्होंने इस बात का, कांग्रेस पार्टी इस पे बहुत अच्छी तरह अपना समर्थन करती है। जी सरकार को हर धर्म का, हर जाति का, हर मजहब का ख्याल रखते हुए काम करना चाहिए, बिल्कुल, अगर आप धर्म रामायण महाभारत गीता पुराण पढ़ाते हैं तो अगर उसका स्वागत है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे देश में और धर्म के लोग हैं उनके भी धर्म ग्रंथों को पढ़ाए, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कहीं दोहरी बात ही नहीं होती, ये तो भाजपा इस बात में भी राजनीति कर रही है, भाजपा और नेता वालों के काम है कि हर मुद्दे और हर बात में किस तरह राजनीति करना, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो कभी 80 और 20 की बात नहीं की, कांग्रेस पार्टी देश की 40 करोड़ जनता की बात की, क्या बात, अगर जनता की भलाई की बात आएगी तो कांग्रेस 2 कदम आगे होकर उस सवाल प्रवक्ता युवा कांग्रेस विशाल कुमार यादव, आपने कही कि बीजेपी 80-20 की बात करती है, राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है और वहां पर आपको जानकारी होगी कि रामनवमी के वहां पर जुलूस निकाला गया था तो आप पथराव हुआ था और पथराव होने के बाद स्थिति खराब हुई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जानकारी के मुताबिक ये इनपुट भी था कि वहाँ पर चीज़ें खराब हो सकती हैं, तब भी रोकने का प्रयास नहीं किया गया, तब भी कोशिश ना की गई इस तरह की घटना ना हो, तो वहाँ पर कौन सी राजनीति 20-80 की थी कि 80-20 की थी, थोड़ा बता दीजिए। देखिए इसमें कहीं से भी राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जा सकती। अच्छा अच्छा, धर्मावलंबी लोगों को अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, इसी तरह राजस्थान में भी रामनवमी पर राम जुलूस निकाला गया, और जो भी कुछ उपद्रवी तत्व समाज में होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार को, हमारे बीच के समाज में होते हैं,
क्या हमारे बीच में रेप नहीं होता तो क्या वो उपद्रवी नहीं है? जी. हर समाज में उपद्रवी, हर समाज में तो उपद्रवी तत्व है. अच्छा. लेकिन ठीक है, उसके साथ अरे बीजेपी 80-20 का आरोप कैसे लगा दिया फिर आपने भाई? तो फिर अरे हमारे मुख्यमंत्री ने कभी मंच पे ये नहीं कहा कि हम 80 और 20 की लड़ाई है. योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव में मंच से कहा है 80 और 20 की लड़ाई है. अच्छा. बताइए अशोक गहलोत जी ने कहा हो, बताइए कभी हमारे और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कहा हो. अच्छा. लेकिन मैं बताता हूँ कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये मंच से अपने अपने मुंह से कबूला है. अच्छा. लेकिन घटनाएं होती है, सरकार मौन धारण करके बैठना और सरकार सवाई करना, ये कांग्रेस पार्टी और मौन धारण करके बैठती बीजेपी. देखिए कहाँ नहीं हमला, कहाँ नहीं घटनाएं होती. ठीक है, शक्ति तत्व है जो समाज में नफरती चिंतु नफरती फैलाने का काम करते हैं. लेकिन कांग्रेस पर तो घटना मुकाबला कर दिया. और आपने जो बोला रामनवमी की घटना, रामनवमी की घटना पे कांग्रेस पार्टी दुख जताती है और उसपे जो त्वरित कार्रवाई हुई उसमें हमने करने का काम किया. दोषियों और आरोपियों को जल्द से जल्द हमने गिरफ्तार करने का काम किया. उसमें कानून अपनी प्रक्रिया काम कर रही है. ये ऐसा कहना कि वहां हुआ आपने नहीं कर, वहां हुआ कहां नहीं होता है, लेकिन उस पर कार्रवाई करना ये सबसे बड़ी बात है. हमने वहां कार्रवाई की. बताइए उत्तर प्रदेश होता कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करता है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो खुद बढ़ावा देते हैं 80 और 20 की बात करके. चले ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर आमिर साबरी भी मौजूद है. आमिर भाई अब समय आपका है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो बात विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस कह रहे हैं, प्रवक्ता हमारी पार्टी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, मामला आपके सामने है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन किया, सुझाव भी दिया है. और मुस्लिम धर्मगुरु ने यहाँ कहा ठीक करना चाहिए, कर सकते हैं, पर यहाँ पर अन्य धर्मों को ही पुस्तकों को धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया जाना चाहिए. क्या राय है? अफसोसनाक नहीं बल्कि शर्मनाक मुद्दा है ये. जी. ये अब ये मुद्दे रह गए हैं, इस पर डिबेट हो रही है. जी. आप बताइए, इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं. अच्छा. देखिए अभी 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और हर चुनाव में ये नया मुद्दा लेके आते हैं. आपको अच्छी तरह याद होगा जी कि ये पढ़ा जाएगी. गौरव जी मैंने शायद आपके चैनलों को तमाम चैनलों में मैंने इसका बहुत जोरदारी से स्वागत किया था कि अच्छी बात है कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाए. बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये मौजूदा आज का मुद्दा है आपका कि धार्मिक ये किताब ग्रंथ पढ़ाना रामायण और वो इतना जरूरी है. जी. बिल्कुल. लेकिन खालिद रशीद ने जैसा कहा है कि कुरान भी पढ़ाया जाए. बिल्कुल. और इसको इसको जो है जिसकी मर्जी आए पढ़े, इस बात से हम सहमत नहीं है. बल्कि सरकार को पूरी तरह इसको अनिवार्य कर देना चाहिए कि गीता रामायण कुरान बाइबिल ये सब पढ़ाए जाए. जी. कम से कम सारे मजहबों की नॉलेज हमारे बच्चों को तो हो. बहुत अच्छी बात कही. उन्हें पता तो चले किस धर्म में क्या है. जी. भाई धर्म में जैसे अभी हमारे तकी भाई ने बहुत लंबा लेक्चर दिया बुराई का भराई का. मैं नहीं समझता हूँ किसी धर्म में कोई बुराई हो. अच्छा. अगर हम बुराई कर रहे हैं तो ये मेरी अपनी निजी जाति जिंदगी है. बल्कि धार्मिक तौर पर कोई बुराई किसी भी ग्रंथ में नहीं है. ये मेरा अपना निजी मानना है. जी. और मेरा क्या मानना, बल्कि सच्चाई यही है. जी. आप कुरान उठा लीजिए, कुरान में साफ मना है शराब हराम है. लेकिन आज की तारीख में मुसलमान पी रहा है, पी रहा है, सीधी सीधी बात है. जी. लेकिन कुरान में नहीं है, कुरान में तो स्पष्ट मना है हराम है. तो इसीलिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो गौरव जी, मैं तो इस मौजूदा सरकार से बल्कि मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसको अनिवार्य कर दिया जाए. रामायण भी और साथ में कुरान भी और बाइबिल भी, और जो यहाँ सेकेंड आबादी तीसरी आबादी बड़ी है सरदारों की, उनके ग्रंथों को भी अनिवार्य कर दिया जाए कि पढ़ना ही पढ़ना है आपको. और बल्कि हाई स्कूल तक इनको अनिवार्य कर ही दिया जाना चाहिए. मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गौरव जी. बाकी अब बात आई के मुद्दों की, तो इनके पास देखिए गौरव जी बताने के लिए कुछ बचा नहीं है. अच्छा. ये सिर्फ इसी तरीके के मुद्दे चुनाव में लाते हैं. इन्होंने नवजात लेके आए, फेल हो गया इनका. फिर ये इनको लेकर के आए मदरसों में संतरी पढ़ाई जाएगी. फिर मदरसों का सर्वे लेके आए. अभी आप ही चैनल पे हफ्ते भर पहले 15 दिन पहले भेज दी कि मदरसे के जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उन्होंने इनको आईना दिखा दिया था कि आपने सर्वे करा लिया, सब कुछ करा लिया, भाई अब इनको दीजिए. तो देने के नाम पर कुछ नहीं है गौरव जी. अभी 4 दिन पहले हलाल हराम का मुद्दा लेके आ गई है. हलाल हराम मुद्दे का जो हा है उससे इनको वाकिफ नहीं है ये, लेकिन हलाल हराम मुद्दा लेके आए. कुल मिला के गौरव जी जो जो चुनाव करीब आता रहेगा, ये इस तरीके के मुद्दे उठा करके इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहेंगे. इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं गौरव जी. अच्छा. इनके पास बताने के लिए है ही नहीं. लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया नहीं है, शिक्षा. अच्छा. पे काम किया नहीं, विकास पे काम किया नहीं, रोजगार ये दे नहीं पाए, भ्रष्टाचार ये रोक नहीं पाए. आज आपको बता दें, जब से मैं तो आपके चैनल पे 500 बार ये बात तो रख चुका हूँ कि जब से कमिश्नरी लागू हुई है पुलिस बेलगाम हो चुकी है, युवाओं को अपराधी बनाकर खुद अपराध कर रही है गौरव जी. बड़ा बड़ा सवाल ये है. और दूसरी अहम बात ये गौरव जी
कि पुलिस ही 151 107 उल्लंघन करती है और पुलिस ही जमानत भी देगी और जब जिसको पैसा ले लेगी दूसरी पार्टी जमानत नहीं देगी उसको डाले जेल भेजेगी। गौरव जी कहाँ करने आया है आप बताइए, इनके पास सच में बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये टाइम पास कर रहे हैं और अब तक इन्होंने यही किया है, इनके पास कुछ इन्होंने आप बताइए किस मैदान में किस फील्ड में किस शोबे में इन्होंने काम किया है वो इनके पास बताने के लिए नहीं। इन्होंने रोजगार पे काम किया, कितने रोजगार दिए, विकास पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, तमाम डेंगू से लोग मर गए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद भी सरकार की बेशर्मी है कि सरकार जो है गुना अपनी बेशर्मी की चादर ओढ़े सो रही है, किसी मसले में कोई काम नहीं करा है, लेकिन हर 15 दिन बाद एक नया मुद्दा हिंदू मुस्लिम का सरकार लेके चली आती है और तमाम चैनलों में इस पर डिबेटें होती है गौरव जी, जो बहुत अफसोसनाक ही शर्मनाक भी है भाई। ठीक ठीक है भाई, हमारे साथ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, सुनील भाई जी क्या राय है आपकी? देखिए गौरव जी, मैं काफी देर से सुन रहा था जी, अपने वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे जी, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि शिक्षा से मनुष्य के जीवन की जीने की शैली भी आती है? बिल्कुल आती है। आप जैसी संस्कृत में पलेंगे आपका भविष्य, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व कृतित्व उसी आधार पर बनता चला जाएगा। बिल्कुल। आज जिस चीज की शिक्षा की चर्चा हो रही है जी, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं जी, कि इलाहाबाद बोर्ड में जी 80-82 दशक में संस्कृत में भी गीता रामायण जी के श्लोक थे और हिंदी में भी जी परशुराम लक्ष्मण संवाद जी, यानी कि रामायण की भी चर्चा, दशरथ जी का संवाद ऐसे पहले भी रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए हमको। बिल्कुल। कोई चर्चा नहीं हुई, एक जय सुभाष किताब से पढ़ाई जाती थी हम लोगों को जी, नेता सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन शैली थी, कृतित्व था उनका, मैं भी पढ़ा हूं, आपने भी पढ़ा होगा। धीरे धीरे राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में अपनी भावनाओं को जनता में परोसने के लिए उनको अलग कर दिया। आप बताइए जय सुभाष से क्या प्रेरणा मिलती थी हम लोगों को, लेकिन राजनीतिक दलों को उनकी कर्मों से क्रियान्वयन से दिक्कत थी, उस किताब को बंद कर दिया। बिल्कुल। न बंद किया तो बताइए, आप तो खुद आप पढ़े हैं जी। जो हमारे श्लोक थे उनको धीरे धीरे संस्कृत से और हिंदी से गायब कर दिया गया जी। किसने गायब किया? हम आप तो नहीं करने वाले हैं, यही राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे गठबंधन के हों, चाहे जो भी हों, जो दल थे राजनीतिक उन्होंने ही गायब किया। आज ये स्थिति है कि अगर चर्चा उसी पे हो रही है तो ये तो कभी, अगर मुस्लिम ने भी विरोध किया हो बता दिए, या सिखों ने विरोध किया हो तो बता दिए जी, सब पढ़ते थे आराम से रहते थे, कभी इस तरह की दिक्कतें लोगों को नहीं होती थी जी। लेकिन आज राजनीति का, शिक्षा का, जाति का, धर्म का, सबका ध्रुवीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर चुनाव के समय ये बातें क्यों सामने आती, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। देखिए हमारे सामने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, अब राजनीति एक दुकान हो गई है। मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा है, अन्य चैनलों में बैठता हूँ वहां कहता हूँ कि राजनीतिक लोग अब दुकानदार हो गए हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लाशों को बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट बिकना चाहिए। और ऐसा हुआ भी, इस उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, मैं नाम भी ले लूं कि अपनी सत्ता पाने के लिए लोग गोलियां तो चलवा दिए, न चलवाए बताओ। तो वो राजनीतिक नेता नहीं थे जो फांसियों पर लटक गए इस देश के लिए, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो देशभक्त थे, वहां ये बिरादरी नहीं थी कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम भारतीय हैं, भारत माता के लिए अपने प्राणों को बलि दे देंगे, अपने देश की सुरक्षा अस्मिता के लिए अपने प्राणों को बलि दिया, और दिया उन्होंने, चाहे हमारे सुभाष भाई ले लो, चाहे रामप्रसाद बिस्मिल जी को ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, चंद्रशेखर आजाद ले लो, क्या उन्होंने इसीलिए आजादी दी थी हमको कि आज हम हिंदू और मुसलमान और इनकी जातियों धर्मों पर राजनीति करेंगे? क्या सोचा था सुभाष भाई ने कभी कि इस देश के मुल्क के लिए हम अपनी जान दे रहे हैं वहां ऐसे हालात पैदा होंगे? क्या बात। आज स्थिति गौरव जी बड़ी खराब हो रही है, क्योंकि लगभग सभी दल, कोई दल ऐसा नहीं है जो निष्पक्ष हो, जनता के साथ सुख दुख में खड़ा हो। और उसका आपने देखा भी होगा, कोरोना काल आया तो देखा, भुखमरी आई तो देखा, और जब महामारी आती तब भी दिखाई पड़ता है कि जनता के साथ कौन खड़ा होता है। जब जब एक सेकंड गौरव जी, जब चुनाव नजदीक आता है इतने हमदर्द राजनीतिक दल के लोग आते हैं और चुनाव चला जाता है, जनता ठगी हुई फिर रह जाती है, ये इस देश का हाल है। भाई जी, तमाम लोग जब बोल रहे थे आप उंगली उठाए थे, बता दीजिए क्या बोलना चाह रहे थे भैया? देखिए तकी भाई ने और कुछ बताया आपको, आपने वो चरित्रों का आपने बताया था कि प्रेरणा लेनी चाहिए, तमाम चरित्र उन्होंने गिनाया आपको, उस पर कुछ बोलेंगे क्या? किसी धार्मिक किताब में आदर्श बताने की बात दूसरी नहीं, आप ये कह रहे थे ना कि केवल हिंदू धर्म की पाठ्य पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में आदर्श है। मेरी बात सुन ले, आदर्श किसी किताब में अच्छी बातें बताना और है,
अच्छा, उन आदर्शों पे कैसे जीवन जिया जाता है नहीं, इसका चित्रण अगर कहीं है जी तो रामचरितमानस है। अच्छा, और अपने संबंधों को जिस तरह के जीवन में संबंध होते हैं उन संबंधों में एक दूसरे के प्रति किस हद तक हम आप समर्पित रह सकते हैं उसका भी चित्रण रामचरितमानस में रामायण में है। अच्छा, तो भगवान राम का जो चरित्र है, पिता के प्रति जो उनका लगाव है, महाभारत में कुछ नहीं है क्या? महाभारत में भी तमाम ऐसे महाभारत जब आप भूल गए, अच्छे सेठ भी हैं जी, अन्य तरह के विषय भी हैं जी, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आप नैतिकता की खुराक के लिए कहाँ जाएंगे। अच्छा, निसंदेह आपको तो आपको फिर वही मानना है कि नैतिकता की खुराक आपको केवल हिंदू धर्म ग्रंथों मिलेगी, अन्य ग्रंथों में सीख नहीं दी गई है। सीख देखिए, सीख दे रहा जैसे साबरी साहब ने कहा कुरान में शराब हराम है, लेकिन मुसलमान शराब पीते हैं, साबरी साहब ने कहा। तो मैंने तो कहा हमारी शिक्षा पद्धति का जो नाश किया है लोगों ने जी, उसी कारण से आज हम 14 साल से लेकर 4 साल की बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं जी। हमारे समाज का जो पतन की पराकाष्ठा है, जिस जो आप लोगों ने पहुंचाया, रविन भाई यहाँ बता रहे थे तमाम जो फिल्में चल रही हैं जो चल रहा है उसमें प्रतिबंध लगाने कोई दिक्कत है क्या, कोई रोका है क्या आपको? सुन लीजिए, ये तो विषय आदर्शों से, बिल्कुल विषय आदर्शों का है भाई। देखिए रविन जी, नैतिक पतन उससे भी हो रहा है जो देखता है उसी से होता है। बात सुनने सुनाइए ना, रविन जी आदर्शों से अश्लीलता की ओर चले गए। हाँ, विषय को उन्होंने, अरे आदर्श भाई यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपने बताया विवेक भाई कि बलात्कार हो रहा है 4-4 साल के मासूमों के साथ, तो जो जो मानसिकता है वो तो इन्हीं से पनप रही है ना, तो रविन भाई ने कौन सा अलग मुद्दा रख दिया? गौरव जी मेरी बात, अश्लीलता वो अलग श्रेणी में आती है क्या? बात सुन, सुना दीजिए। रविन जी ने कह दिया कि वो खारिज कर दिया एनसीईआरटी ने, ऐसा कोई औपचारिक पत्र नहीं है, चले ठीक है, चर्चाएं हैं जी, ये प्रस्ताव दिया गया अभी स्वीकार नहीं हुई जी, इस पे हम आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कहने में टैक्स नहीं लगता। हाँ, अब विषय आ जाइए, विषय आदर्शों का है। अगर हमारे आदर्श की धरातल मजबूत होंगे, अगर हम मजबूत धरातल पे खड़े हैं, तो हमें ऐसी अश्लील चीजें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेंगी। अच्छा, अगर हमारे चलने देंगे आप, चलने देंगे और किताब पढ़ाते रहेंगे, उसके चलाने की हिमायती नहीं, मेरी बात समझिए। हाँ, तो बंद करा दीजिए ना, कौन रोका भाई? आप डिबेट उसी पे कर लीजिए, इसी पे कर लीजिए आप, ये नैतिक पतन की बात तो जुड़ी हुई है ना विवेक भाई, पढ़ाने या देखने अलग थोड़ी ना है ये रविन भाई, यहाँ मैं कैसे नकार दूं, उन्होंने गलत थोड़ा बोला है। गौरव जी, व्यक्ति के निर्माण की बात है। अच्छा, विद्यालय में जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके न्यू का निर्माण हो रहा होता है। अगर न्यू ब्लू फिल्म आप देखते रहे विषय, अरे ये भाई जो मैं कह रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश करिए, गड़ास बंद करिए। गौरव जी आप विषय समझने की कोशिश करिए। जब व्यक्ति का निर्माण हो रहा है विद्यालय में, जहाँ प्राथमिक स्तर पे पढ़ाया जा रहा है, 3 से 12 तक, 7 से 12 तक, वहाँ पे जो उसके जीवन में जो आदर्श डाले जाएंगे, जैसे एक नींव की जितनी मजबूती दी जाती है इमारत उतनी ही बुलंद होती है, उसी तरह उस बच्चे के जीवन के नींव का निर्माण हो रहा है। अच्छा, वहाँ जो आदर्श खुराक पड़ जाएगी, वो उसको एक मजबूत व्यक्तित्व का, अच्छा, सामाजिक व्यक्ति बनाने में आगे चल के उसके जीवन में लाभकारी होगा। वो ऐसी चीजों के प्रति चाह करके भी ललायित नहीं होगा। अमर भाई, आप ऐसी अब संस्कृतियां ललायित अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अमर भाई बोलते रहे, सब सारे जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ाना जाओ, सबकी जानकारी होनी चाहिए, अच्छा बात होनी चाहिए। मैंने कहा ना, जैसे इतफाक नहीं रखते क्या? मेरी बात सुन लीजिए, कुरान में अच्छी बात तो साबरी साहब कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, ठीक, छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, लेकिन क्या उन आदर्शों पे कोई जीवन ऐसा किसी का जीवा हुआ दिखा दे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, उस पर उपहास ना करें। जिसकी राम ने जो जीवन जिया, जो भरत ने जीवन जिया, जो लक्ष्मण ने जीवन जिया, जो अर्जुन ने जिया, जो युधिष्ठिर ने जिया, ये तमाम जो जीवन जीने के जो तरीके हैं, जो एक दूसरे से संबंधों की परिभाषा है, ऐसा किसी व्यक्ति ने किसी धार्मिक विशेष में किसी ने ऐसा जीवन अभी तक, हो जिससे लोग प्रेरणा ले सके, अभी तक, अभी तक भाई ने बहुत धर्म दिखाया है, हमारा है भी नहीं। आप विवेक जी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीवन कैसा जिया,
मौला अली ने जीवन कैसे दिया, इमाम हुसैन ने जीवन कैसे दिया, इमाम हसन ने जीवन कैसे दिया, इतने सारे जिया में इतने साहबा है, उनका जीवन मार काट अच्छा जीवन जिया। अभी आपने क्या बताया, अभी रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा था प्रोग्राम में कहा है कहीं शांति का सा हो तो मलेशिया में शांति नहीं है, इंडोनेशिया में शांति नहीं है, अरब में शांति नहीं है, सबसे नई इमारतें, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, कतर सबसे समृद्ध देश है, सबसे ज्यादा रुपया उसका मजबूत है, बहुत धर्म में भी जीवन जिया है भाई। क्या बात कर रहे हैं आप देख रहे हो उस तरफ जाते, आपका यही प्रॉब्लम है, आप देख रहे खराब जाते इसलिए खराब दिखा जाता है, जैसे आपके मन में चल रहा वैसे अकबा दिखाई दे रहा है जी है। आपने इस्लाम देशों में 50 देश है जिसमें एक दो देशों में गड़बड़ी, तीन देशों में गड़बड़ी, बाकी सब देश समृद्ध। एक देश का नाम बताए कहाँ कहाँ शांति है बता दीजिए। सऊदी अरब में शांति नहीं है, कतर में शांति नहीं है, क्या क्या शांति, दुबई में शांति नहीं है, मलेशिया में शांति नहीं है, इंडोनेशिया में शांति नहीं है, मैं नाम बता रहा हूँ आपको देशों के, मैं उस पर आपको ईरान में शांति नहीं है, बैठ लीजिए कहाँ पे चर्चा, इंडोनेशिया में शांति नहीं है, ईरान में, ईरान में अभी 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 जो आंदोलन हुआ महिलाओं ने जो क्या क्या शांति का आंदोलन, तो भारत में भी हुआ था अभी स्पोर्ट काल, औरतों लड़कों ने क्या क्या किया, ब्रजभूषण सिंह के मामले में क्या किया आपने, कह करके आप ब्रजभूषण सिंह के मामले में क्या हुआ था, महिलाओं ने आंदोलन कर रही थी, अपना आंदोलन नहीं किया आपको, आप जितने भी बात करेंगे अगर आपको उच्च आदर्शों की खुराक कहीं चाहिए तो आपको सनातन संस्कृत के इन महापुरुषों के पास आना पड़ेगा। सिख धर्म में जो गुरु थे उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अर्पित कर दिया, तो पढ़ा जाता है, गुरु गोविंद सिंह के बिना कहां हिंदू पूरा होता है, गौतम बुद्ध में गौतम बुद्ध जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया, आज गुरु तेग बहादुर दिवस है, पूरा जीवन का गरीबों के लिए गुजर गया और उनको सूली चढ़ा दिया, वो उनका जीवन नहीं किया उन्होंने इस तरह से, हम ये कहते हैं हमारे लोग जिससे प्रेरणा ले सके, अरे तो हमारे लोग ईसा मसीह से प्रेरणा नहीं ले सकते, यहाँ पर हर धर्म के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं भाई, आप ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह प्रेरणा लेते हैं, जापानी के लोगों ने प्रेरणा ले ली, इतना ले लिया, चाइना के लोगों ने ले ली, अरे भाई सुन लीजिए, इतना ले लिया कि अमेरिका के विद्यालय में बंदूकें चल रही है, अच्छा ठीक, वहां तो सुरक्षा बहुत तगड़ी है, तो ये संस्कृत कौन सी है, अच्छा जो इस तरह के अब संस्कृति पैदा कर रही है, हमें अपनी पुरातन संस्कृत की तरफ लौटना होगा, अपने उन आपको प्रमोट शब्द से आपत्ति थी और मुझे खुराक शब्द से आपत्ति है, ये आपके लिए खुराक नहीं बल्कि आपका आधार आधार है, संस्कृत आधार हमारे भविष्य का निर्माण होता है, ये आपका आधार है, हमारे नौनिहालों के भविष्य का निर्माण, तो ये हमारे जीवन के आधार है, खुराक नहीं है, अरे भाई जो कह लीजिए जी जी है, संस्कृत की डोज आपको कहाँ मिलती है, चले हो गया आप बता दें, चले ठीक है हो गया, रविंद्र भाई बोलेंगे, चले चले हो गया, रविंद्र भाई बोलेंगे, चले रविंद्र भाई बोलेंगे, विवेक जी का दे दे जी, बोलिए बोले अमर भाई, क्या बोलना चाहते हैं अमर भाई जी, बोले अमर भाई जल्दी बोलिए, अमर साबरी जी बोलिए, विवेक जी नैतिकता की बात कह रहे थे, तमाम बलात्कार जी भाजपा के नेता हैं और उसके अलावा तमाम उन बलात्कारियों के फेवर में सड़कों पे जुलूस निकालते, यही नैतिकता इनकी, जवाब जब समय जाएंगे तब मैं बोलूंगा, स्वामी चंद्रियन सेंगर साहब आपके नेता है, सेंगर साहब को संसद कोई भाजपा कार्यकर्ता खड़ा नहीं हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, समाजवादी भी रहे, सारे दलों चौथे भाजपा में आए, अरे मेरा भाई विवेक भाई यही आपकी नैतिकता भाजपा की और आपकी अच्छी, ये पूरा देश जान रहा है, बिल्कुल हमारी नैतिकता उच्च मानदंडों की है और हम देश को उच्च मानदंडों की ओर ले जाना चाहते हैं, और बाकी जिस एजेंडे के साथ तंज करने के लिए पहले दूसरे धर्मों को ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उसके बाद तंज करिए, हम तो आप ही लोगों को देख के समझते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, कतई नहीं करता हूँ मैं, कटाक्ष करा भी नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो बहुत आप नंगे हो जाएंगे विवेक जी, आपका नंगापन तो आपकी खुद सब भाषा में दिखाई देता है, अच्छा और सत्ता हम बता दो रहे हैं कि जिस पर मैं बोलूंगा अरे स्वामी मत करवाइए, अगर कुछ गलत हो तो उन्हें जेल भेजिए, आप सुनिए कुछ बोल रहे हैं, और हिंदू मुस्लिमों को जेल भेज दीजिए, हमने हमने तो साफ साफ कहा कि आपको वहाँ पे अरे आप भेजिए जेल,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत कर रहे हैं, जाएगा आजम खान जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें दो साल से हो गई, दो साल से गद फैला रहे समाज में, आप जेल में साल गाली दिए थे, इस मामले में आपको टाइम बताए थे, हिंदू मुस्लिम फैला देंगे, उसका फैसला होगा, जेल जाएगा। अरे शर्म करिए भाई, भाजपा वाले नैतिकता की बात करते हैं, भाजपा वाले चले हो गया, बात नहीं करते, चलिए अरे भाजपा वाले जब नैतिकता की बात करते हैं तो बेबे भाई अब यहाँ पर सर तन से जो है बात मत करिए, यहाँ भी तमाम लोगों ने गर्दन काटने पे, जीप काटने पे 25-25 करोड़ का इनाम रख लिए थे। मुझे विवश मत करिए कि उन लोगों के नाम भी आया चर्चा, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर गर्दन काटने की बात कही गई तो यहाँ पर तमाम तो बयान आए। फिर मैं रविन भाई को ले रहा हूँ, रविन भाई कुछ बोल रहे थे आप यहाँ पे संगीत। पहले तो जी विवेक भाई ने कह दिया कि ऐसा निर्णय नहीं आया है, तो जो निर्णय आया है जी गौरव भाई आपके व्हाट्सएप में समाचार की प्रति मैंने भेज दिया, तो पढ़ के आना चाहिए विवेक भाई को। ये सूत्रों के आधार पे रविंद्र जी इस तरह की बातें नेशनल चैनल पे नहीं कहनी चाहिए आपको, जब तक नेशनल चैनल पे आप नेशनल चैनल में प्रचार नहीं करिएगा, जो प्रचार कराना था आपने कर दिया, हमने जो करना था हम तो कर ही रहे हैं, जो समाचार वो काम कर रहे हैं, जिसकी छात्र होता रहे। ये डॉक्टर है क्या? नहीं आप, हम डॉक्टर नहीं, हमें जनता ने जिस काम के लिए भेजा, जिस एजेंडे के साथ भेजा, हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन से काम के लिए भेजा जनता ने आपको? सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए भेजा। सनातन संस्कृति क्या है? सनातन संस्कृति ये आप पढ़िए और जानिए, आप बताइए ना, आपको भेजा जनता ने तो आप बताइए सनातन संस्कृति क्या है? कर रहे हैं सनातन, बताइए सनातन संस्कृति क्या है? प्रतीकों का पुनरुद्धार हम कर रहे हैं। अच्छा, यही सनातन संस्कृति है? बहुत कुछ है, इस पे विस्तार चर्चा करिएगा। अच्छा, ये हमारा तो हम, विस्तार हम तब क्यों बोल रहे हैं जब आप नहीं बोल सकते हैं तो क्यों बोलते हैं? चलिए सुनिए, आप ज्यादा ज्ञान नहीं, आपका ज्ञान अपने पास रखिए, जनता ने हमें जान के साथ भेजा, वो मालूम ही नहीं है। अरे आपको ज्यादा मालूम है, आप तो गोली चलवाने वाले हैं राम भक्तों पे, आपको ज्यादा मालूम है, आप हत्या करें आपको ज्यादा मालूम है, अरे आप नारियों को जा रहे हैं आपको ज्यादा ज्ञान है, आपने अयोध्या जी को लूट लिया, ढांचा गिराए, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, भगवान जी राम वाला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, देख लो जाके मिल लेना। अरे इनको चुप कराए तो आप माथा टेक ले आओगे गौरव जी, पाप कटेगा आपका। प्लीज प्लीज भाई, लोग कहते हैं अपना ज्ञान अपने पास मालूम नहीं है, रख लीजिए, आपको मालूम ही नहीं है, लेना भी नहीं आपसे, लीजिए हमें कार से क्या लीजिएगा, आपको जनता ने भेजा था लेकिन आपको मुद्दा ही नहीं मालूम है। मेरे भाई आप लगातार बोलेंगे डिबेट खराब हो जाएगा। प्लीज आपको जनता ने भेजा था, ऐसा नहीं, आप डिबेट खराब मत करिए, डिबेट खराब मत करिए, लगातार से को कचरा के बारे में आपको लगातार बोलने का मौका दिया भाई, आप भी बोल रहे बोलेंगे, आप और लोग भी बोलेंगे, दे दे भाई, ये वो ये वो देखिए प्लीज, ये आपका ये आपका स्वीकार करूंगा सनातन हो गया भाई, विषय में बात करें, चलिए उनको सबको मौका दिया, आप बोल चुके हैं, अब उनको बोले ठीक है, लेकिन सनातन आप रोके मत, आप रोके मत ठीक है प्लीज, नहीं तो मुझे तो जो समाचार आया है एनसीईआरटी द्वारा उसको खारिज करने को मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। दूसरी बात है जी, जो सनातन संस्कृत के दो प्रमुख धर्म हैं, वैदिक धर्म और वर्तमान में उसी को हिंदू धर्म बोलते हैं, उनका जो सबसे बड़ा वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, काय का दो धर्म सब एक है, उनको वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, काय का दो धर्म भाई, वैदिक धर्म हिंदू धर्म सनातन सभी एक सभी अलग अलग है, ज्ञान हमें मत दीजिए, आप अपने विषय पे बात करिए, हमें कार से वो कचारों से सनातन मुक्त करने अपने विषय बात करिए, वो धर्माचार कहे तो मैं सुनूंगा, आपकी को सुनूंगा इस पे, आप पे धर्माचार तो कहते हैं कि बच्चे बेटी को भेज दो, बहू को भेज दो, लड़की को भेज दो, उसको हमारा पुरुषार्थ जान जाए, जब जब उनके पुरुषार्थ सुनोगे तो वो भाषा जवाब पाओगे, चले हो गए, चले
आपकी धारण किया है तो आप उसका बोलेंगे तो मैं डिबेट रोकनी पड़ेगी। आप डिबेट रोकने या चला है लेकिन ये 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 आपकी व्यवस्था नहीं है। ये प्रेरण सुनिए इनका ब्लड प्रेशर सर मुझे सरात्री मन बताइए आपके तमाम नेताओं ने बयान दिए जो दिया है सारे चर्चा इनका ब्लड प्रेशर चेक करा दीजिए सारे चर्चा मैं सुनिए आपका तमाम इनका ब्लड प्रेशर चेक करा दीजिए आप क्या कह रहे हो ये बताइए हम गलत हो तो आप बताइए अपना चरित्र बता दिया है इसलिए ब्लड प्रेशर चेक कराइए इनका प्लीज बेबे भाई यहाँ पर आप सनातनी होने का बड़ा बात कर रहे हैं आप सुनिए मेरी बात को आपके तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं आप उन पर कार्रवाई करके दिखाइए फिर सनातन की बात करें प्लीज प्लीज अब नहीं अब नहीं बेबे भाई अब मौका नहीं दूंगा अब नहीं बोलने दूंगा आप कार्रवाई करके दिखाइए आप कार्रवाई की नजीर पेश करिए तब मैं बात करूंगा वैदिक धर्म हिंदू धर्म दो अलग अलग है आप अपने मौके पे बताइए क्यों मौके बताए आप मौके बताइए आप रोक नहीं पा रही ज्ञानी आदमी को जाता है इस्लाम के बारे में कर पाएंगे बोल लेते हैं एंकर मुझे सब पता है मुझे सब पता है कौन कितने वाला सनातनी है मुझे सब पता है भाई नहीं है हमारा हमारा धर्म आचार्य बताइए ये कौन कितने किसके कितने टैक्स है कुछ ने क्या बयान है सबके बयान कंटेस्ट है सारी बात मुझे सबके बयान कंटेस्ट है मुझे आपके नेता चले हो गया तक ही बोलेंगे प्लीज देखिए नहीं मुझे मुझे पूरा कर लीजिए प्लीज बोलिए बोलिए प्लीज एक शब्द बोले रविंद्र भाई बोलिए प्लीज बोलिए सनातन संस्कृत में वेद पे आधारित है वेद का जो प्रमुख वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम जी इसी वसुधैव कुटुंबकम के तहत में जी पहली मस्जिद जी केरल में हिंदू राजा ने बनवाई थी लीजिए इसी वसुधैव कुटुंबकम के तहत जी हजरत मोहम्मद साहब का बाल चरावे शरीफ जम्मू कश्मीर में कश्मीर महाराज ने रखवाया था जी उसी का परिणाम कश्मीर में मार के लोग भगा दिया इसी इसी परिणाम विस्फोट हो रहा है उसी का तो परिणाम दे रहे हो भाई हजरत ईसा मसीह के पांव के निशान जम्मू कश्मीर में है इसी वसुधैव कुटुंबकम के तहत हमारे वसुधैव कुटुंबकम द्वितीय पैगंबर हजरत शीश की मजार अयोध्या जी में है तो ये उन्मादी लोग जब ऐसी बातें उनको बताई जाएगी सनातन संस्कृत की तो उन्मादी लोगों को क्या होगा क्योंकि हिंसा के पुजारी थे समाज के समर्थन में रैली करने वाले केरल में हिंसा के पुजारी संविधान के धारण करने वाले केरल में विस्फोट करने वाले समाज के समर्थन में हिंसा के पुजारी थे संविधान का पालन करता थे चले हो गया तभी बोलेंगे तभी बोलेंगे देखिए राम मंदिर गिराने वाले लोग हैं बलात्कारियों की पार्टी है गिराया हमें इस पे गर्व है गौरव भाई भाजपा अपने रंग को क्या करे रेशे को क्या करे जी भाजपा अपने रंग को क्या करे रेशे को क्या करे मजहब के झगड़े छोड़े तो पेशे को क्या करे भारतीय जनता पार्टी ने ये एक ट्रेंड बना लिया है हमेशा मजहब के नाम पे उन्माद पैदा करने का जबकि मजहब जो नहीं सिखाता आपस में बैर रखना बहुत पहले कहा जा चुका है मजहब ने हमेशा लोगों को जोड़ा है मोहब्बत सिखाई है लोगों को गले करना सिखाया है अगर मजहब ना होता तो लोग दूसरे दोष खाते चले आप सभी का चर्चा छोड़ने के धन्यवाद तो यहाँ पर दूसरों का समय भी साथी लोग खा गए आधार तो है नैतिकता तो है पर यहाँ पर बोलने के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर मैं देखा किस तरह चर्चा हुई सबने दूसरी पर जमकर कटाक्ष किए पर्सनल भी आए पर यहाँ पर अगर नैतिकता को बरकरार रखना है तो तमाम चीज़ों को यह व्यवस्थित रखना पड़ेगा यहाँ हम देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं अगर पढ़ के अच्छा सीख रहे हैं और देख कर यहाँ पर खराब हो रहा है तो यहाँ पर बदलाव करने पड़ेंगे ये बदलाव केवल और केवल किताबों में नहीं बल्कि ये बदलाव आपको यहाँ पर आने वाले समय में जो फिल्म इंडस्ट्री चल रही है जो इंस्टाग्राम चल रहे हैं जो यहाँ पर सोशल मीडिया नेटवर्क चल रहे हैं उसमें भी बदलाव करने पड़ेंगे वहाँ पर भी नैतिकता का पतन हो रहा है अगर उसमें आप बदलाव नहीं करते हैं और केवल किताबों के माध्यम से समाज के उत्थान के विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा सूचना प्रसारण मंत्रालय आपके पास है वो आपकी सरकार है अगर वास्तव में बीजेपी सोचती है कि नैतिकता का उत्थान
इन किताबों के माध्यम से और आने वाले समय में बेहतर हो सकता है तो निश्चित रूप से यह करना चाहिए। कोई यहाँ पर रोक के लिए नहीं खड़ा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, पर अगर कुछ और अन्य माध्यमों से भी अगर नैतिकता का पतन हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। नफरत हमेशा से नुकसान करती है, सब जानते हैं। तभी तो बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि 7 बक्सों में बंद करके रख दो नफरतें, 7 बक्सों में बंद कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। जुड़े रहिए, संघर्ष करिए और चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।